ये वाली बहुत बड़ी है, वो जो ब्लैक वाली खड़ी है ना सामने। हाँ ये देखो कितने अच्छे लगे हैं गोल गोल से। आराम से इन लोगों को स्लोप पे तो मजा आता चलाने का। वो देखो कितना अच्छा वाटर फाउंटेन है, कितना बड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है पानी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये देखें, ये हम आज आए हुए हैं ऑक्सीजन पार्क, और ये छोटा सा पार्क है दोहा कतर में, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। इधर जो है ना वो मैच हो रहा है, जो है ना ये वाटर फाउंटेन जो है ना इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, कलर्स इसके इतने अच्छे रखे हुए हैं जिसकी वजह से ना ये अट्रैक्ट कर रही है बहुत। तो अभी हम आगे की तरफ जाएंगे, फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हैं, हस्बैंड का और अब्दुलरहमान का वेट कर रहे हैं, वो आ जाएँ तो फिर उसके बाद उनके साथ आगे जाएँगे। अब्दुलरहमान और उसके बाबा जो हैं वो आ रहे हैं, और आई थिंक उसको स्कूटी नहीं मिली। इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ना उसको बहुत अच्छी लगती है, वो कोशिश करता है कि जब भी पार्क आए किसी तो उसमें जो है ना वो इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लेता है, जो रिचार्जेबल वाली होती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है चलाना। रास्ते से शवरमा ले लिया था, और अभी हम कहीं भी बैठते हैं तो फिर खाते हैं। वाले फतायर भी अगर खाना है तो खा लो, उसका साइज़ कितना अच्छा बड़ा है ना। एक और वाटरफॉल है, अच्छा बना हुआ है, खा लिया है, और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए। मैं समझी थी ये पार्क जो है ना वो बहुत छोटा सा है, लेकिन एक्चुअली जब हम अभी आए हैं तो पता चला है कि पार्क तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि एक एरिया जो है हमने पीछे छोड़ा है अभी जहाँ हम बैठ के खाना खा रहे थे, उसी तरह का सेम एरिया जो है वो यहाँ पे भी बना हुआ है। और इसके सामने ना यहाँ पे सामने जो है ना मॉस्क भी है बहुत ही प्यारी सी कतर फाउंडेशन की। तो अभी चलते हैं देखते हैं अगर वहाँ जा सकते हैं तो वहाँ भी ना ऊपर यहाँ भी चल के देखते हैं। हाँ स्टीप है ना, थोड़ा नीचे नीचे से जाओ, सीढ़ियाँ देखो कितनी प्यारी बनी हुई हैं, अच्छा खूबसूरत पार्क है माशाल्लाह। कैमरे नहीं है, लाइट्स हैं मेरे ख्याल से। हाँ सेंटर में कैमरा है, चलो चलते हैं यहाँ पे ऊपर। ऊपर से व्यू कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से ना, बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी में वो सामने, और ये सारे जो है ना पैराशूट की तरह के जो बलून्स टाइप के लगाए हुए, लाइटें बड़ी प्यारी लग रही हैं। और ये देखिए यहाँ से मैं आपको फाउंटेन दिखाती हूँ, ये रहा फाउंटेन, कितना प्यारा लग रहा है ना। बीच में नज़र आ रही है ना आपको दरख्तों के बीच में, इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि हमने कैसे जाना है यहाँ तक। आगे से देखते हैं जाके कोई जगह मिलती है, देख लो अंदर जाने का रास्ता नहीं है। हमें इसलिए नहीं मिल रहा था कि ये जो है ना ये शायद जो है ना घोड़ों का ट्रैक है, यानी कि हॉर्स ट्रैक, तो इसकी वजह से इसका रास्ता बंद है। और मैं जो हूँ ना इस बैरिक के नीचे से आई हूँ कैप्चर करने के लिए कि यहाँ पर है क्या और ये व्यू किस तरह। जा नहीं सकते ना, अगर जा सकते तो वहाँ पे जाते, पूरे घोड़े हैं वहाँ पे। पार्क का नाम वैसे ना ऑक्सीजन पार्क की बजाय हिल पार्क होना चाहिए, क्योंकि ये हिल की तरह बना हुआ है। वहाँ पे जाके जब वापस आएंगे ना अफरा, तो हमने इसके ऊपर भी जाना है, पूरी हिल के ऊपर। रहमान को कहाँ चढ़ा ऊपर, देखो लिखा है ना ऑक्सीजन पार्क पार्किंग है, हेरिटेज क्वार्टर है, ऑक्सीजन पार्क स्टेशन है। हैं ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे भी कुछ काम करेंगे। इस पे देखो लिखा हुआ कहाँ है, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, देखो हम ऊपर चल रहे हैं। ये है ना यहाँ से रास्ता गहरा है बहुत,
कितना प्यारा लग रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है अभी। नॉर्थ वेस्टर्न कतर कितना अच्छा है ना, वो देखो ट्राम भी आई हुई है। क्या लिखा हुआ है? एमरिक्स। हाँ, साइंटिफिक नेम इसका ये है, ये नाम है। हाँ, चलो आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ट्री है ये, बीट ट्री है। बीट ट्री तो ख़त्म हो गया लगता है, पूरा पत्ते भी नहीं है इसके ऊपर, बिल्कुल खाली है। अफरा स्कूटी छोड़ के भाग गई है। हाँ अब्दुलरहमान, ये देखो ऑलिव का ट्री आया, जैतून का। ये जैतून का है, बॉल रखी हुई है। कोई बात नहीं, कल तुम वैसे भी जाओगे ना अपने फ्रेंड के साथ। छोड़ के भाग गई अफरा। लिखा होगा ना रेफरेंस, ये कौन सा है? सूरह तीन। फिग है। हाँ। एक ये भी है। ये भी फिग का है, छोटा सा है। हाँ ये री, सुने ग्रीन सी लगी हुई है ये री। ऐसी होती है ना ये। देखो कितनी अच्छी है ना, अमरूद की तरह लग रही है। ये तो तुर्की में भरी भी नहीं। हाँ तुर्की में बहुत थी, पकी भी थी। तुर्की में जैतून के, फिग के और उसके ऑलिव्स के बहुत ग्रीन सी हैं, सारी छोटी छोटी सी हैं। ये भी हैं, ये लगी हुई कच्ची हैं। हाँ अभी कच्ची हैं, कितनी सारी हैं माशाल्लाह से। सर देखो उस तरफ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, उन्होंने साइन लगाया हुआ था, साइन बोर्ड। और ये मॉस्क है, इधर भी जाएंगे अभी। ये देखो चेयर्स लगाई हुई हैं, ये दिन में बहुत प्यारा लगता होगा एरिया ना, चेयर्स लगाई हुई हैं। चलो अब्दुलरहमान इस पर लेट के रिलैक्स करो। हाँ बैठो, स्केटिंग के लिए हैं। लोग बैठे हैं अंदर, छोटा सा म्यूजियम है ये, बोटैनिकल म्यूजियम। और अभी आई थिंक ये बंद होगा इस वक्त, क्या हुआ? सेंसर है ना लगा हुआ। ये देखो म्यूजियम आया, ये सॉइल है, देखो सॉइल है। ये क्या है? बार्ली, मस्टर्ड सीड्स हैं ये। इन सब का देखो कुरान में जिक्र है। लाइट्स ऑन हो गई हैं। और ये देखो ये वीट है, महाफ्रा वीट, इसका आटा बनता है ना, हम लोग जो आटा खाते हैं ना घर में, वो इसका बनता है। और ये देखो ये रहा मनसफ राइस है, ये ऊपर होके देख लो, ऊपर होके देख लो। ये देखिए सुने गार्ड, ये क्या है? इट इज मेंशन इन होली कुरान, फ्रूट है कोई पाम ट्री का ना। और ये डेट्स हैं, डेट्स, हाँ केज ऑफ डेट्स ये। और ये क्या है? रेजन्स हैं इसके अंदर, एंड विजडम जर्मिनेशन। ये इसका पूरा ओवरलुक है, छोटा सा क्यूट सा है ना, छोटा सा क्यूट सा म्यूजियम था। हदीस है इसके बारे में, देखो हदीस लिखी हुई है, लिखा है पेंसिल पाइन्स। कौन सा नीम का, आगे वाला? हाँ नीम का जिक्र है कुरान में, देखते हैं। बोटैनिक गार्डन एंड एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन दोहा कतर। हाँ वो ट्रैम जा रही है। ये है बीट ट्री, ये वही है जो शुरू में हमने देखा था ना, वही वाला है बीट ट्री। पूरे यहाँ पे ना एरिया में लगे हुए इस तरह के प्लांट्स। चलो अंदर चलते हैं, कितनी प्यारी बनी हुई है। वाओ देखो अब्दुलरहमान कितनी प्यारी बनी हुई है, कितनी प्यारी बनी हुई है टनल, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। ऊपर जो लैंटर्न लगे ना, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। चलो आगे चलते हैं। जो कुरानिक पार्क है ना, उसकी टाइमिंग्स तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ना शुक्र है उन्होंने जाने दिया हमें। देख ले मॉस्क,
और ये है ट्राम का स्टेशन। ये जो है ना एजुकेशन सिटी की ट्रैम है स्टूडेंट्स के लिए। आए, हम लोग जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं, बहुत जल्दी है। देखो जा रही है अभी। चलो भाई चलते हैं अभी, है ना। माशाल्लाह से इतनी हसीन मॉस्क है ये, इतनी डिफरेंट और खूबसूरत है, आजकल के जो तर्ज के मुताबिक बनाई गई है, बहुत ही मॉडर्न लेकिन खूबसूरत है ना। आयात लिखी गई है इसके ऊपर। अब्दुर्रहमान कैनाल भी है यहाँ पे छोटी सी। बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, खूबसूरत है बहुत। चलें चलते हैं अंदर, दे रहे हैं। चलो जल्दी से चलें अंदर। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी है मॉस्क, फिर आ जाएंगे दोबारा किसी दिन। ये यूनिवर्सिटी है भाई। हाँ ये यूनिवर्सिटी है। वो कह रहे हैं कि मॉस्क के लिए उधर से जाना पड़ेगा। प्लेन है वाकई में, एरोप्लेन की टेल है ये। फिर इसी के लिए पार्किंग करीब है ना मस्जिद के लिए। रुक गई है, चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। रुक गई है, उधर से तो नहीं आ रही है। फार्मर मार्केट अब्दुर्रहमान, ये देखो ये रही मार्केट। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सामान खाली पड़ी है बिल्कुल। या हो सकता है सुने, ये कभी कभी लगती है, जैसे अभी नहीं लगी हुई ना। बहुत बड़ी है, देख वहाँ तक है, आगे तक वो आगे तक है, देखो। अच्छा बना हुआ ना ये फार्मर मार्केट। जला देते एटलीस्ट, कितनी अच्छी लगाई हुई है लेकिन जली भी नहीं है। अंदर ना खाने का एरिया है पूरा। हाँ अंदर ज़्यादातर वजीद भी नज़र आया है, वो देखें। मुझे लगता है अब्दुर्रहमान चिकी चीज़ का पिज़्ज़ा भी है शायद, वो देखो चिकी चीज़ लिखा हुआ ना, पापा जॉन्स है। अच्छा बड़ा एरिया बनाया है। नहीं ये कुछ और है, चिकी तो लिखा हुआ है, मैं समझी चिकी चीज। एग्जिट 55 है और पापा जॉन्स है, ज़ातर वजीद है। कॉफ़ी शॉप नहीं है यहाँ पे, कोई कॉफ़ी ले लेते हैं, कॉफ़ी शॉप देखते हैं। शॉप भी लगता है बंद हो गई है, देखें कुछ भी नहीं है। एरिया बहुत बड़ा है लेकिन चला नहीं, क्या है आगे। सिटिंग एरिया कितना अच्छा बनाया लकड़ी का। ये बीच में है कॉफ़ी, अब पता नहीं ऑन है कि नहीं, देखते हैं। हाँ ऑन है, यहाँ से ले लेते हैं। और ये देखें ये भी एरिया है पूरा। ये मेन्यू और रेट्स लगे हुए यहाँ पे। बड़ा एरिया ना, नीचे सीढ़ियाँ पता नहीं कहाँ जा रही हैं। और ये जो है ना यहाँ पे एरिया बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सिटिंग एरिया बैठने का। पूरा देखो दूर दूर तक है, काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ पे लिखा है एजुकेशन सिटी और पूरा इसका बताया गया है कि क्या क्या है यहाँ पे। आज इतना ज़बरदस्त हुआ हुआ है ना, इतना ठंडा ठंडा सा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा हुआ हुआ है, तो वॉक करने का भी बहुत मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय किया आज की वॉक को। और जो हमारे दो विज़िट थे, एक तो कुरानिक गार्डन का था और एक जो है ये ऑक्सीजन पार्क का था, तो हमने बहुत अच्छा सा फ़न किया सब बच्चों ने और हमने मिलके। तो बस अब हम जो है ना चलते चलते काफ़ी लंबा चल चुके हैं, अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और मे बी हो सकता है कि रास्ते से जो है ना अभी हम कॉफ़ी ले लें, अगर हमें कोई नज़र आई कॉफ़ी शॉप तो हम ले लेंगे, अदरवाइज़ भी सीधा घर चले जाएँगे। और यहीं तक मेरी आज की शेयरिंग थी, आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो शेयरिंग है वो आपको पसंद आई होगी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए जो है मज़ीद ब्लॉग्स जो है मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ कतर के शेयर करूँगी। कतर की जो स्पॉट्स हैं और जो प्लेसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।